हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द हैप्पियर यू। आज की वीडियो बात करूंगा मैं एक बुक के रिव्यू के बारे में। ये बुक लिखी है शाहीन भट्ट ने। बुक का नाम है आई हैव नेवर बीन अनहैप्पियर। शाहीन भट्ट कौन है? शाहीन भट्ट फेमस बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनी रजदान इनकी लड़की हैं। आलिया भट्ट की बड़ी सिस्टर हैं ये, उनकी आलिया भट्ट की एल्डर सिस्टर हैं। तो ये बुक किस चीज़ के बारे में है? ये बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। ये बुक है डिप्रेशन के बारे में। जी हाँ, शाहीन भट्ट को 16 साल की एज में डिप्रेशन जो है डायग्नोज हुआ था। तो ये इस बुक में इन्होंने अपना लाइफ लॉन्ग का जो स्ट्रगल है डिप्रेशन को लेके, जो एक्सपीरियंस है डिप्रेशन को लेके, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में और बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा है डिप्रेशन को लेके मिथ्स के बारे में, कि किस तरह से हमारी स्पेशली इंडियन सोसाइटी डिप्रेशन को लेके किस तरह के मिथ्स वाइडली प्रिवेलेंट हैं। सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि डिप्रेशन रईस लोगों को होता है, डिप्रेशन इज़ द डिसीज ऑफ द रिच पीपल। ये गलत है, ऐसा है नहीं, रियलिटी नहीं है ये। फिर कि डिप्रेस लोग बहुत लेजी होते हैं या इनकी लाइफ में कुछ रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। रियल प्रॉब्लम्स का मतलब, जैसे कि हम बोलते हैं रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंडिया में रोटी कपड़ा मकान नहीं है। और सबसे बड़ी मिथ ये है कि हम सोचते हैं कि जो डिप्रेस इंसान है वो वीक है, वो एक कमज़ोर इंसान है। ये सारी मिथ्स हैं और इन मिथ्स के बारे में ये बुक में काफ़ी अच्छा बात से बात की गई है। फिर ये बताया गया है कि डिप्रेशन का एग्जैक्ट कॉज अभी कोई नहीं जानता, ठीक है। एग्जैक्ट कॉज क्या है उसका, हम 100% नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट कॉज है डिप्रेशन का, या हमारे पास कोई अभी कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके बेसिस पे हम बोल सकें कि डिप्रेशन इज़ ये बंदा डिप्रेस्ड है। हम सिम्टम्स के बेसिस पे बताते हैं, डॉक्टर्स अभी जो बताते हैं मेनली सिम्टम्स के बेसिस पे बताते हैं। जैसे डायबिटीज़ का हमारे पास एक टेस्ट है, हमने ब्लड शुगर टेस्ट किया, हम बोल देंगे ये बंदा डायबिटिक है। पर डिप्रेशन का ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है कि हम बोल दें कि ये बंदा डिप्रेस्ड है। हम सिम्टम्स के बेसिस पे बताते हैं, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये बंदा डिप्रेस्ड है और ये बंदा डिप्रेस नहीं है, जिनको कि साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। साइकेट्रिस्ट वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो डिप्रेशन से रिलेटेड लोगों को ट्रीट करते हैं, मेडिकल उनको दवाइयां देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो बुक में बार बार इन्होंने बताया है कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिप्रेशन अभी मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। ज़्यादातर जो देखा गया है, डिप्रेशन को हम तीन चीज़ों से लिंक करते हैं। पहला हम लिंक करते हैं जेनेटिक्स से, कि अगर आपके पेरेंट्स में, आपके दादकों में, नानकों में किसी को डिप्रेशन है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं डिप्रेस होने के। सेकंड देखा गया है कॉज ऑफ डिप्रेशन बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब कि अगर आपके कुछ ब्लड में हमारे केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो कुछ केमिकल्स अगर आपके ब्लड में कम है, जैसे कि सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का काफ़ी यहाँ पे नाम आता है बार बार डिप्रेशन से, कि ये देखा गया कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनको सेरोटोनिन का लेवल है वो कम रहता है ब्लड में। तो कुछ अगर आपके केमिकल्स कम है, कुछ आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप डिप्रेस रहोगे। फिर थर्ड कॉज देखा गया डिप्रेशन का, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या जैसे कि आपका किसी की डेथ हो गई, आपके बिलवड की, किसी लव्ड वन की आपकी डेथ हो गई, या आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था लाइफ में, उस एरिया में आप फेल हो गए, आप करियर में फेल हो गए, आप रिलेशनशिप में फेल हो गए, या कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट में ट्रिगर, वो आपको डिप्रेस कर सकता है। तो तीन बड़े कॉजेज डिप्रेशन के देखे जाते हैं। पहला जेनेटिक्स है, सेकेंड बायोलॉजी है जो कि आपकी बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो, और तीसरा एनवायरनमेंट है। तो ये जब तीनों कॉजेस कंबाइन करते हैं किसी एक फॉर्म में, जीन्स, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो डिप्रेशन कॉज होता है। अभी तक फिलहाल मेडिकल साइंस इन तीन कॉजेस पे बात करती है, एग्जैक्ट कॉज क्या है ये मेडिकल साइंस भी नहीं जानती, साइकेट्रिस्ट भी नहीं जानते हैं। और किसी का जो ट्रीटमेंट होता है डिप्रेशन का, उसका ट्रीटमेंट बहुत ही इंडिविजुअल बेसिस पे, हो सकता है एक दवाई आपको सूट करे डिप्रेशन के लिए, दूसरे इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बुक में बताई हैं, ये मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बुक में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि काउंसलिंग ने इनको काफ़ी हेल्प करी है, साइकोथेरेपी ने इनको काफ़ी हेल्प करा है। तो विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन अभी ये काफ़ी स्टेबल हैं, इस चीज़ से ये काफ़ी हद तक अब कोप अप कर लेती हैं। अब इस चीज़ से अब इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि डिप्रेशन एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और ऐसा नहीं है कि डिप्रेस्ड आदमी कोई अलग आदमी है या उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। डिप्रेस्ड आदमी भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है और वो लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर सकता है। फिर
ये भी इन्होंने बताया कि सिम्टम्स किस तरीके से रहते हैं, कि जो अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपका बहुत बार मन करेगा कि आप बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दोगे या आप बिल्कुल नहीं खाओगे। तो ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, कोई ऐसे स्ट्रीमलाइन सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा भी खा सकता है और कोई इंसान बिल्कुल, हो सकता है उसकी एपिटाइट ख़त्म हो जाए, स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, या हो सकता है पूरे टाइम सोते ही रहो, या फिर हो सकता है आप बिल्कुल ना सो, इनसोम्नियाक हो जाओ। ठीक है, तो या तो बिल्कुल ज़्यादा सोते ही रहोगे या फिर बिल्कुल सोना बंद कर दोगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया कि सिम्टम्स भी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में मेडिसिन वेरी करती है, हर बंदे, हर डिप्रेस्ड आदमी की दवाइयाँ सेम नहीं है, ऐसे ही हर डिप्रेस्ड इंसान के सिम्टम्स भी सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस हो सकता है सिम्टम्स में। तो अब फाइनली मेरा क्या ओपिनियन है इस बुक को लेके, और मैं मेरा क्या टेक है यहाँ पे, मेरा ये टेक है, इन्होंने एक बुक में एक एक्सपीरियंस के बारे में बोला है, वो एक्सपीरियंस ये है कि बचपन में एक बार, ये शायद ये 12 साल 10 साल के आसपास की बात है, एक बार ये पूजा भट्ट जो इनकी कज़न सिस्टर हैं, महेश भट्ट की फर्स्ट वाइफ से हुई हैं, वो लड़की हैं आली, ये शाहीन भट्ट, आलिया भट्ट महेश भट्ट की सेकंड वाइफ से हुए बच्चे हैं। फर्स्ट वाइफ से जो महेश भट्ट को बच्चे थे वो थे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। तो पूजा भट्ट ने एक बार इनको इन्वाइट किया था अपने घर पर, भट्ट ने जब इनको इन्वाइट किया था तो वहाँ पर कैमरा मैन था, फोटोग्राफर था, तो वो फोटोग्राफर ने पूजा भट्ट को और आलिया भट्ट को तो फ्रेम में ले लिया और शाहीन भट्ट को बोला कि आप साइड में, आप उस फ्रेम से बाहर हो जाओ। तो ये जो इम्पैक्ट था ये इनके अंदर काफ़ी डीपली रहा है, इनको ये चीज़ फील होने लगी कि ये देखने में सुंदर नहीं है, ये अगली हैं, इनका जो स्किन कलर है वो अच्छा नहीं है कंपैरेटिवली, पूजा भट्ट का, आलिया भट्ट का जो स्किन कलर है वो फेयर कलर है, लाइट कलर है, इनका जो स्किन कलर है थोड़ा डार्कर साइड पे है। तो उन्हें लगने लगा कि मैं देखने में ठीक नहीं हूँ, इसलिए मुझे फोटोग्राफर ने साइड में कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहा इनके अंदर लुक्स को लेके, और वेट इनका काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जब ये डिप्रेस होना स्टार्ट हुई तो इनका वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया, जिसकी वजह से फिर वापस इनको और डिप्रेशन होने लगा। तो एक विशियस सर्कल बन जाता है, आपका वेट पुट ऑन होता है, आपके लुक्स और ख़राब हो जाते हैं, आप लुक्स ख़राब थे इसलिए डिप्रेस थे, तो इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ विशियस सर्कल। और हमारी जो सोसाइटी है वो लुक्स को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, पागलों जैसे बिहेव करती है, और हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं कि हमारा बॉडी का वेट कितना है, हम देखने में कैसे लग रहे हैं। भले ही इससे किसी को कोई मतलब नहीं है कि आदमी का दिमाग के अंदर थॉट्स क्या चल रहे हैं, इंसान कितना खुश है, इंसान कितना खुश नहीं है, हम जज करते हैं इंसान को कि वो कपड़े कैसे पहनता है, वो उसका कलर, स्किन का कलर क्या है, और उसका वेट कितना है, तो हम बहुत जल्दी जजमेंट्स पास कर देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की वेट को लेके, कहीं ना कहीं जो इनको आइसोलेट किया गया बिकॉज ऑफ कि वो आलिया भट्ट और पूजा भट्ट के कंपैरेटिवली इनके लुक्स अच्छे नहीं है, तो ये सब चीज़ों ने इनके बचपन में इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसका रोल भी रहा है इनके सैड होने में, डिप्रेस होने में। इन चीज़ों के बारे में इन्होंने खुद भी बात की है, आप बुक को पढ़ोगे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। फाइनली मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मुझे जो लगता है डिप्रेशन का रियल रीज़न क्या है, जो मुझे ऐसा महसूस होता है, रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको ऑलरेडी 3-4 रीज़न्स बता चुका हूँ जिसको मेडिकल साइंस समझती है। मुझे लगता है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो ये है कि सोसाइटी ने एक वो बना रखा है कि इंसान को ऐसा होना चाहिए, ये इंसान नॉर्मल है, आपके लुक्स ऐसे हैं तो आप नॉर्मल हो, आपके नंबर इतने आते हैं पढ़ाई में तो आप नॉर्मल हो, आप लाइफ में ये चीज़ अचीव कर लेते हो तो आप नॉर्मल हो। तो सोसाइटी का क्राइटेरिया है और हम सब चाहते हैं कि हम उस क्राइटेरिया में फिट इन हो जाएं। जैसे ही हम सोसाइटी के क्राइटेरिया में फिट इन नहीं करते, हम मिसफिट होते हैं, तो हमें डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी वो ये है कि हर इंसान चाहता है सोसाइटी में फिट इन होना, जैसे ही आप मिसफिट होते हो सोसाइटी में तो आपको डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉज है, मुझे लगता है मोर देन व्हाट आई पर्सनली फील, मोर देन जीन्स, मोर देन बायोलॉजी, मोर देन न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे बड़ा जो कॉज है डिप्रेशन का वो एनवायरनमेंट ही है, वो यही है कि हर इंसान एक फिट इन होना चाहता है, सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, ये आदमी नॉर्मल है, यहाँ पे हर इंसान को फिट इन करना है, ये स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, इतनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, एक गाड़ियाँ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड हमने सेटअप कर रखा है, जब आप इस स्टैंडर्ड पर फॉल नहीं करते, हर इंसान चाहता है कि सोसाइटी में फिट इन करे, वो आइसोलेट नहीं होना चाहता, वो आउटकास्ट नहीं होना चाहता। तो ये जो डीप ड्राइव है हमारे अंदर कि हम सोसाइटी को में फिट इन करने की, जो हमारे अंदर डिज़ायर है, ये हमें कहीं ना कहीं पागल करती है, ये हमें डिप्रेस करती है। तो बहुत हद तक प्रॉब्लम मुझे लगता है सोसाइटी साइड से ही आ रही है, क्योंकि अगर हम पीछे जाएं आज से 100 साल 200 500 साल पहले तो डिप्रेशन इतना नहीं था,
इतना वाइडली प्रिवेलेंट नहीं था, और 100, 200, 500 सालों में जीन्स चेंज नहीं होते, जीन्स चेंज होते हैं हज़ारों लाखों साल में जाके। तो जीन्स और बायोलॉजी बहुत तक हमारी अभी भी सेम ही रही है, जो बहुत तक चेंज हुआ है वो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। तो मुझे लगता है एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल है इन कंपेरिजन टू जीन्स और बायोलॉजी, वो स्मॉल फैक्टर्स हैं। वेल दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि बुक आप ज़रूर पढ़िएगा, शाहीन भट्ट एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर है, मैं बोलूँगा शी हैज़ रिटन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक, बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये हर उस इंसान के लिए किताब है, चाहे वो डिप्रेस हो चाहे ना हो, लेकिन लाइफ में अगर आप एक कुछ मीनिंग ढूंढ रहे हो और लाइफ में अगर आपको कुछ थोड़ा सा डेप्थ चाहिए थॉट्स में, तो ये बुक बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। इस बुक से आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको एक इंसाइट मिलेगी कि कैसे एक इंसान जब परेशान होता है तो वो किस तरीके से सोचता है और वो किन किन चीज़ों से, किस किस दर्द से, किस किस पेन से गुजरता है। ये इस बुक में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। फाइनली एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लास्ट जाते जाते एक मैसेज है मेरा, अगर शाहीन बट इफ इन केस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, ठीक है। क्योंकि बहुत गट्स सही होते हैं कैमरे पे आके या किताब में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि आई एम डिप्रेस्ड, बिकॉज तो मुझे लगता है कि आप वीक नहीं हो, आप एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो, आप उन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जो अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं। सो मेरी साइड से और मेरे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबकी साइड से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं आपकी लाइफ के लिए, आगे करियर के लिए, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप हम सबको एज अ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, हम सबको आप इंस्पायर करो। बहुत हद तक मुझे आपके एक्सपीरियंस से, मुझे आपकी बुक से बहुत काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है, मोटिवेशन मिला है। सो अ ग्रेट थैंक्स एंड अ बिग थैंक्स टू शाहीन भट्ट फॉर राइटिंग सच अ ग्रेट एंड अ ब्यूटीफुल बुक। सो गाइज इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।